जो कि आज का जो वीडियो है कि सक्सेस व्हाई डज नॉट हैव अ डीप सीक्रेट। सबको मानता है यार कि सक्सेस का डीप सीक्रेट होता है, लेकिन मैंने आज को जो वीडियो में बोला है वो एकदम रियलिटी और क्लियर बोला है कि सक्सेस का कोई सीक्रेट नहीं होता गाइज। हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी आर बी डी जी पी एंड वेलकम टू माय फ्रेश न्यू वीडियो। तो गाइज आज को मैं पहले ही बोल देता हूँ, आज को ना ही कोई मोटो व्लॉगिंग है, ना ही कोई लाइफस्टाइल व्लॉगिंग है, ना ही कुछ भी अलग टाइप का वीडियो है। आज का जो वीडियो है, जैसे कि आपको पता ही होगा अगर आपने मेरा डिप्रेशन वाला वीडियो देखा होगा, मतलब एक मोटिवेशनल सीरीज़ का जो वीडियो मैंने चालू किया है इन मोटो व्लॉगिंग स्टाइल, वो आज आप सभी के लिए मैं करूँगा, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है, ठीक है, तो वो है दैट सबको ही बोलता है यार सक्सेस हैज़ अ डीप सीक्रेट, सक्सेस हैज़ का डीप सीक्रेट, सक्सेस का ये सीक्रेट है, सक्सेस का वो सीक्रेट है। भाई मैं बोल दूँ सक्सेस का कोई सीक्रेट ही नहीं है गाइज, हाँ ये मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। आप लोग मेरे को इसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन पे कि भाई सक्सेस का सीक्रेट क्यों नहीं है, तो उसी के लिए आज को मैं बोलूँगा कि सक्सेस डज नॉट हैव अ डीप सीक्रेट मैन, ठीक है, इट्स ऑल मिथ मैन। सक्सेस का डीप सीक्रेट है ही नहीं, क्योंकि सीक्रेट तो सबको पता है कि सक्सेस का क्या है। तो इस वीडियो को आगे देखने के लिए गाइस प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब मेरे यूट्यूब चैनल, ताकि आपको मेरे चैनल का लेटेस्ट वीडियो से नोटिफिकेशन कंटिन्यूसली मिलता रहे। तो गाइस सक्सेस हैज़ अ डीप सीक्रेट, सबको यही बोलता है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ सक्सेस का कोई सीक्रेट ही नहीं है गाइस। आप लोग बोलोगे कि कैसे पॉसिबल है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। रुको एक पहले, रोड का बीच के आदमी सबका कॉमन सेंस नहीं है ना, रोड से पहले अच्छा से ज्वाइन कर जाते फिर। हाँ तो सक्सेस का कोई डीप सीक्रेट नहीं है, क्यों, क्योंकि देखो फॉर एग्जांपल मैं बता दूँ, अगर हम लोग बेसिक से शुरू करते हैं, ठीक है, जो आपको समझने में भी इजी हो, जैसे हम लोग स्कूल लाइफ में पढ़ते थे, तो ठीक है, तो मैं तो था भाई एक बैक बेंच और एक एवरेज स्टूडेंट था। तो जो लोग टॉपर था, ठीक है, वो लोग हर साल टॉप कैसे करता था सोचो, थोड़ा दो तीन मिनट सोचो कि हर साल वो लोग ही टॉप क्यों करता था, हम लोग क्यों नहीं कर पाते थे, ठीक है। और वो लोग से अगर पूछते भी थे तो हम लोग को बोलता था कि भाई अब कुछ हम लोग नहीं पढ़ते फिर भी टॉप करता। गाइस ये सब फालतू बात है, ठीक है। सक्सेस का कोई सीक्रेट नहीं है, हम लोग को पता है कि टॉपर टॉप कैसे करता है, क्योंकि वो मैक्सिमम टाइम अपना मैक्सिमम डेली टाइम में से वो पढ़ने में देता है, स्टडीज़ में देता है, तो वो टॉप नहीं करेगा यार। हम लोग जैसे बैक बेंचर थे, वो लोग घूमेंगे, मौज मस्ती करेंगे, समझ ही रहे हो क्या क्या और क्या क्या कर सकते हैं, समझ ही रहे हो तुम लोग, तो कैसे सक्सेस हम लोग का होगा। सक्सेस का कोई सीक्रेट ही नहीं है गाइस, सक्सेस का चिट्ठा फिट्टा पूरा ओपन है, समझ रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि कोई हमारा दोस्त या कोई लड़का जिसको अगर गवर्नमेंट जॉब मिलता है, ठीक है, एक एज आने के बाद वी हैव टू वर्क फॉर जॉब, तो मान लो उसको अगर गवर्नमेंट जॉब मिला है, ठीक है, हम लोग को पता है कि वो कैसे मिला है, उसका इतना दिन मेहनत किया है, सारा दिन रात रात जग के वो पढ़ा है, ठीक है, तो हम लोग को तो पता ही है कि उसको सक्सेस कैसे मिला है, फिर भी हम बोल रहे हैं कि नहीं इसकी सक्सेस है डीप सीक्रेट। ये सब पूरा फालतू बात है, सक्सेस का कोई डीप सीक्रेट नहीं होता भाई। सक्सेस का एक ही चीज़ होता है, वो है हार्ड वर्किंग और मेहनत। जब तक आप लोग हार्ड वर्किंग रहोगे और मेहनत करोगे, सक्सेस आप लोग को मिलेगा। यू हैव टू बी वेरी मच कॉशियस अबाउट योर सक्सेस मैन। एंड और एक बात बोलूँगा, लाइफ में कभी भी कैजुअल अप्रोच मत लेना, ऑलवेज यू हैव टू टेक अ प्रॉपर अप्रोच। अगर कैजुअल अप्रोच लेंगे, जैसे भाई कोई इंसान बोलता है अरे कर लेंगे भाई, मैं ये कर लूँगा, समय आने दे, वेट फॉर द टाइम, मैं एक सलाह देना चाहूँगा गाइज, इफ़ यू वांट सक्सेस एट द एज ऑफ 20-30, जो कि बहुत ही अर्ली है, अर्ली एज में अपना अगर सक्सेस चाहते हो, तो एक ही बात मैं आप लोगों को बोलूँगा, जितना जल्दी हो सके अपना लाइफ को सीरियस लो, डोंट टेक अ कैजुअल अप्रोच मैन। अगर जो करना है जल्दी करो, क्योंकि आफ्टर द एज ऑफ 20-21 आपको समय ही नहीं मिलेगा कुछ करने का, ये सोचते वो सोचते एक्सपेरिमेंट करते करते देखना आपको 30 ईयर्स हो जाए, क्योंकि जो 20 से 30 का जो एज होता है ना, ये ऐसे चुटकियों में निकल जाता है। देख रहा गोप्रो के सामने मैं चुटकी बजा रहा हूँ, ये चुटकी की तरह निकल जाएगा, यही तो बात है। बट मैं एक ही बात बोलूँगा, डोंट टेक अ कैजुअल अप्रोच, टेक अ प्रॉपर अप्रोच मैन, ठीक है। और सक्सेस का कोई सीक्रेट नहीं होता, जैसे मान लो कोई मोटा इंसान है, कोई लड़का बहुत ही मोटा है उसको, और वो हमेशा ज़्यादा जंक फूड कंज्यूम करता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा जंक फूड कंज्यूम करता है, तो वो इसीलिए मोटा है, तो देख उसके लिए उसका सक्सेस क्या होगा कि मुझे पतला बनना है, मुझे अपना बॉडी का लीन फिजिक में लाना है, तो उसको पता है कि मुझे सक्सेस कैसे मिलेगा। ऐसा नहीं कि सक्सेस है डीप सीक्रेट, वहाँ पर उसको सक्सेस के लिए पता है कि मुझे क्या करना है, फिर भी वो नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि दे आर टेकिंग अ लाइट अप्रोच इन देयर लाइफ, ठीक है। मैं तो यही बोलता गाइस, टेक ऑलवेज टेक मतलब गुड अप्रोच इन लाइफ। तो गाइस मैं आई गेस मैं आपको समझा पाया हूँगा कि वाई सक्सेस डज नॉट हैज अ डीप सीक्रेट।
सो गाइज, अगर आपको मेरा ये मोटिवेशनल सीरीज वाला वीडियो अच्छा लगा है, जो कि आज का जो वीडियो है कि सक्सेस व्हाई डज नॉट हैव अ डीप सीक्रेट। सबको मानता है यार कि सक्सेस का डीप सीक्रेट होता है, लेकिन मैंने आज को जो वीडियो में बोला है वो एकदम रियलिटी और क्लियर बोला है कि सक्सेस का कोई सीक्रेट नहीं होता गाइज। सक्सेस का कोई सीक्रेट ही नहीं है। देखो, हम अगर कोई भी इंसान, कोई भी इंडिविजुअल बंदा अगर लाइफ में सक्सेस कर रहा है, ठीक है, तो हमको पता है, वी एवरी वन नोज दैट हाउ ही हैज अचीव एंड हाउ ही हैज बिकम सक्सेस। तो सक्सेस सबको पता है कि कैसे मिलेगा, लेकिन कोई करता नहीं है। हमारा इंडियंस का एक खासियत बात है, जो कि मैं आपको खराब लगे मैं बोल देता हूँ अगर कोई भी व्यूअर्स देख रहा है, कि हम इंडियंस हमेशा अपना लाइफ को कैजुअल अप्रोच लेते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द इंडियंस टेक आवर लाइफ मतलब क्या कैजुअली लेता है, लेकिन कैजुअली नहीं लेना चाहिए, ठीक है। लाइफ एक ही बार मिला है भाई, सीरियस लो, हार्डवर्क करो, तोड़फोड़ करो, लाइफ में जो अचीव करना है करो। मैं यही बोलना चाहूँगा, सक्सेस का कोई डीप सीक्रेट नहीं होता है। सक्सेस का जो सीक्रेट हम सभी को पता है, ठीक है, मान लो कोई एक एथलीट है, कोई भी एक अच्छा इंडिविजुअल एक्टर है, वो लाइफ में अगर सक्सेस किया है, ठीक है, सेल्फ मेड सक्सेस किया है, तो हमको पता है कि वो कैसे किया है। कि एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि सक्सेस का जो रास्ता है, जो पाथ है, जो रूट है, वो सबसे हार्डवर्किंग है, वो सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाला है, ठीक है। तो यही था आज के आई गेस वीडियो में आपको, आप सभी के लिए बातचीत करने का। तो गाइज, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, ताकि आपको मेरे चैनल का लेटेस्ट वीडियोज एंड नोटिफिकेशन कंटिन्यूसली मिलता रहे। एंड आई गेस होप करता हूँ आपको सोशल मीडिया हैंडल का भी दे दूंगा लिंक, वहाँ पर मुझे आप फॉलो भी कर सकते हो। तो गाइज, आई होप आपको मेरा ये सक्सेस हैज डज नॉट हैव अ डीप सीक्रेट वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक करना यार, बहुत मेहनत लगता है मोटिवेशनल वीडियोज़ बनाने इन द सेटअप ऑफ मोटो ब्लॉगिंग में मोटिवेशनल वीडियोज़ बनाना थोड़ा टफ हो जाता है, बिकॉज ये मैंने एक नया सीरीज शुरू किया यूट्यूब पे, अभी यूट्यूब पे ये कोई नहीं करता है। तो आई गेस गाइज आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो गाइज प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर, उसके बाद तो कर ही देना आप लोग जो करते हो। तो चलो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।